सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इल्मी न्यूज़ अपडेट्स को और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहम अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़र हो चुके हैं। एपवा की जानब से ईओबीआई पेंशनर्स के मसाइल को लेकर जो है वो एक अहम कदम उठाया गया है। आज एक अहम वफद ने वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब से मुलाकात की और ईओबीआई पेंशनर्स की पेंशन में इजाफ़ा ना होने और फरवरी से ताहाल ईओबीआई के चेयरमैन की तैनाती ना होने पर जो है वो काफ़ी तहफ़ात का इजहार किया गया। नाज़रीन आपको बताते चलें कि ईओबीआई जो कि पाकिस्तान का एक अहम इदारा है, इसमें फरवरी से लेकर अभी तक जो है वो कोई भी चेयरमैन तैनात नहीं हुआ है। 6 जुलाई 2021 को वफाकी काबीना का अजलास मनक़द हुआ, जिसके अगर निकात देखे जाएँ तो उसमें ये मामला डिस्कस होना था कि ईओबीआई का चेयरमैन जो है वो कौन होगा, लेकिन हुकूमत की जो सीरियसनेस देख लें इस मामले पर कि हुकूमत ने इस मामले को डिस्कस ही नहीं किया बल्कि इस मामले को जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है और अभी तक ईओबीआई के चेयरमैन का फ़ैसला नहीं हो सका। तो इस हवाले से ये मीटिंग जो है वो अहम है कि वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के साथ एपवा की मीटिंग हुई है और वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब ने जो है वो पेंशनर्स के तमाम मसाइल को हल करने की यकीन दहानी करवाई है। उम्मीद ये की जा रही है कि आइंदा चंद रोज़ में ईओबीआई के चेयरमैन की तैनाती का फ़ैसला हो जाएगा। ज़्यादा चांसेस जो हैं वो अज़र हमीद साहब के नज़र आ रहे हैं। बाखबर ज़राए से ये चीज़ मालूम हुई है कि अज़र हमीद साहब भी अब दोबारा जो है वो ईओबीआई के चेयरमैनशिप के उम्मीदवार हैं। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है, मज़ीद अपडेट भी आपके साथ शामिल करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।